की बड़कागांव विधानसभा की प्रत्याशी अंबा प्रसाद जनसंपर्क यात्रा के दौरान पहुंची हुई है, अपने विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर रही है। जानते हैं उनसे कुछ कि क्या उनका मतदाताओं और इस क्षेत्र के प्रति विकास करने के प्रति क्या प्रतिबद्धता है, उनसे जानते हैं। आपको टाइम फैक्ट न्यूज में स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि इस बार जैसा कि बड़कागांव का इतिहास रहा है हैट्रिक लगाने का, और आपको इस बार बड़कागांव का इतिहास भी बनाना है और आपके माता पिता इस चुनाव से दूर हैं, तो आपके लिए कितना चुनौती होगा यह चुनाव? माता पिता दूर हैं तो वो जनता की लड़ाई के लिए भी दूर है। और आज अगर यहाँ मेरे पिताजी योगेंद्र साहब अगर जेल में कैद हैं, तो यहाँ जनता की आवाज़ उठाने, जनता का हमेशा वो आवाज़ बुलंद किया करते हैं, और एक लड़ाकू विमान की तरह वो जनता का आवाज़ बने हमेशा। यहाँ पे जिस तरह से विस्थापन का सबसे बड़ा समस्या है, उसके लिए जैसे जल सत्याग्रह आंदोलन, चिता सत्याग्रह आंदोलन, फिर इतने चिरूड़ी में भी यहाँ पे आंदोलन हुआ, कफन सत्याग्रह आंदोलन, इतना सारा आंदोलन जो किए, देखिए अन्ना हजारे भी आंदोलन किए, और आंदोलन जब कर रहे थे तो वो अपने लिए नहीं कर रहे थे, वो जनता के हित के लिए कर रहे थे। तो उसी का जो खामियाजा है वो मेरी माँ यहाँ की विधायक निर्मला देवी राज्य बदर हो गई है, उनको सरकार राज्य बदर करवा दिया है। तो ये सारा जनता के सामने है, ये जनता जान रही है, ये सिर्फ बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र की जनता नहीं, पूरे झारखंड की जनता जान रही है। तो आक्रोशित है जनता कि हमारा जो आवाज़ उठाने वाला नेता है उसको आप दूर कर दिए। तो बिना माए बाप का क्षेत्र लग रहा, और इसी लड़ाई को हम लोग इस चुनाव के मद्देनज़र देख रहे हैं, और महिला बच्चे पुरुष सब घर से निकल रहे हैं मेरे लिए इस चुनाव आप के लिए। जन संपर्क कर रहे, कितना लोगों को समर्थन मिल रहा है? मुझे तो सब लोगों का समर्थन मिल रहा है, मुझे बच्चों का भी समर्थन मिल रहा है, मुझे महिलाओं का भी समर्थन मिल रहा है। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? इस तरह से आश्वस्त है, कहीं से भी मुझे कोई डाउट नहीं हो रहा है। जिस तरह का प्यार और सम्मान मिल रहा है, जिस तरह का मुझे स्वागत किया जा रहा है हर जगह। युवा प्रत्याशी है, सबसे युवा प्रत्याशी और महिला भी प्रत्याशी है, तो आप बताइए कि अपने मतदाताओं को, क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे? युवा सबसे कम उम्र है, लेकिन काफी कुछ देखा है, काफी कुछ झेला है इस संघर्ष के दौरान। जो मेरे माता पिता के साथ जो हुआ, जो जनता के साथ हुआ, वो मैंने मेरे आंखों देखा हाल है। और मैं जब 4 साल से घूम रही हूँ यहाँ के विधायक को, जब से दूर कर दिया गया है क्षेत्र से, तब से मैं Oh, my God!